सब जुड़ चुके हैं सच न्यूज नेटवर्क के साथ और मैं आपके साथ जानवी गुप्ता। आज 31 दिसंबर है यानी साल का आखिरी दिन और सभी लोगों के अपने प्लान्स होंगे 31 दिसंबर की रात के 31 दिसंबर का जश्न मनाने के। लेकिन जो लोग अभी घर पर बैठे और हमारी वीडियो ये लाइव देख रहे हैं या फिर बाद में भी देखेंगे, उनके लिए चलिए आइए बता दे आपको कि क्या है आज के मुख्य समाचार और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर की दिन भर की खबरें। लेकिन ये सब जानने से पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दे दे कि आप हमारे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए। इस ग्रुप का लिंक आपको हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा और इस ग्रुप पे आप सारी जम्मू कश्मीर से संबंधित लेटेस्ट न्यूज पा सकते हैं। और इसके साथ जो हमारी वीडियोस को बाद में देखेंगे, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को जरूर आगे शेयर करते रहें। और अब चलिए आइए जान लेते हैं क्या है आज का पहला मुख्य समाचार। साल के आखिरी दिन वर्ल्ड 11 का हुआ चयन, चार भारतीय खिलाड़ियों को मिली जगह, विराट बाहर। दूसरा अहम समाचार, ओमिक्रॉन ने पहली बार पार किया 1000 का आंकड़ा। बड़ी जानकारी, इनकम रिटर्न्स भरने की समय सीमा बढ़ाने की कोई प्रस्ताव नहीं, सरकार ने कहा। और अब सभी जम्मू कश्मीर निवासियों के लिए बड़ा समाचार, रात 10 बजे के बाद नहीं मनेगा नए साल का जश्न। और अब चलिए आइए जान लेते हैं इन समाचारों को थोड़ा विस्तार से। पहला समाचार, 2021 में भारतीय क्रिकेटर्स का प्रदर्शन भी बेहतरीन रहा। इसी बीच साल के आखिरी दिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने 2021 के बेस्ट टेस्ट टीम का ऐलान किया। इस टीम में चार भारतीय खिलाड़ियों को जगह दी गई, विराट बाहर किए गए। दूसरा समाचार, भारत में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 309 नए केसेस सामने आए, जिन्हें मिलाकर देश में अब तक ओमिक्रॉन के टोटल 1270 केसेस हो चुके हैं। तीसरा समाचार, सरकार ने शुक्रवार को कहा कि इनकम रिटर्न्स भरने की समय सीमा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है, इसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2021 ही है। जानकारी हो, जम्मू कश्मीर में नए साल का जश्न शुक्रवार की रात 10 बजे के बाद नहीं मनेगा, ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद सरकार सख्त हो चुकी है। और अब चलिए आइए जान लेते हैं जम्मू कश्मीर के टॉप 10 हेडलाइंस। जम्मू कश्मीर से पहली खबर, आतंकियों के खिलाफ 100 सक्सेसफुल ऑपरेशन का लक्ष्य पूरा हुआ। 2021 में 182 आतंकी मार गिराए गए, डीजीपी ने कहा। दूसरी खबर, कश्मीर घाटी में 24 घंटे के भीतर 9 आतंकियों का सुरक्षा बलों ने सफाया कर दिया। साउथ कश्मीर के कुलगाम, अनंतनाग व श्रीनगर में बुधवार व वीरवार को हुए 3 अलग अलग एनकाउंटर्स में जेवन में पुलिस बस पर हमले करने वाले जैश के 3 आतंकी समेत 9 दहशतगर्द मारे। अगली खबर, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर जिले के बाहरी इलाके पंथा चौक में गुरुवार को आधी रात बाद एनकाउंटर शुरू हुआ। आतंकियों की ओर से की गई फायरिंग में 4 जवान घायल हो गए और 3 आतंकी ढेर किए गए। चौथी खबर, जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों में 123 नए कोविड केसेस सामने आए। जम्मू डिवीजन से 58, कश्मीर से 65, 78 रिकवरीज हुई और कोई मौत की सूचना नहीं मिली। जानकारी हो, एनआईए ने टीआरएफ के एक सदस्य अरसलान फिरोज को कथित तौर पर कट्टरपंथी बनाने और युवाओं को आतंकवादी रैंक में शामिल करने के आरोप में गिरफ्तार किया। जानकारी देते, शिक्षा विभाग ने खराब ट्रैक रिकॉर्ड वाले कर्मचारियों की डिटेल्स मांगी और नॉन परफॉर्मिंग स्टाफ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अब बढ़ते कोविड केसेस के बीच श्रीनगर में वायरस के प्रसार को रोकने के लिए अधिकारी एसओपी को लागू करने में विफल रहे। पब्लिक प्लेस पर ज्यादातर लोग बिना मास्क के नजर आते हैं। आठवीं खबर, आज साल का आखिरी दिन है 31 दिसंबर, जहां एक तरफ जश्न का माहौल है वहीं दूसरी ओर जम्मू शहर में 31 दिसंबर की शाम ट्रैफिक जाम बहुत ज्यादा देखने को मिला। इसी के साथ आखिरी खबर, विजय कुमार ने शुक्रवार को कहा कि हुर्रियत नेता सईद अली शाह गिलानी का पीसफुल बुरियल वर्ष 2021 में फोर्स की बड़ी उपलब्धि थी, जबकि साल 2022 के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी हाइब्रिड उग्रवादियों से निपटना। आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। ये था आपके समक्ष जम्मू कश्मीर की दिन भर की खबरें, दिन भर के टॉप 10 हेडलाइंस जो हम आपके लिए रोजाना लेकर आते हैं। ऐसे ही छोटे बड़े अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और हमारी वीडियोस को जरूर आगे शेयर करते रहे, साथ ही साथ लाइक एंड कमेंट भी कीजिए। दीजिए इजाजत, शुभ रात्रि, जय हिंद।